इतनी बड़ी जाति, क्या इतना बड़ा अपराध किया? कानूनी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके कि एनएसए उस पर लगेगी। हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। देखिए कि जैसा कि सोशल मीडिया में जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण के आधार पर जो है तात्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीकृत किया गया और अपराध पंजीकृत करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद रेगुलर रूप से जो है थाना विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे और विभिन्न जगह पर तफ्तीश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। घटना जब ध्यान में आई थी उतने ही समय में वहाँ भी कार्रवाई कर दी गई है और रात को ही गिरफ्तार हो गया है वो व्यक्ति। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद वो अकड़ के चलते हुए थाने के विजुअल हैं, पुलिस वाले उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि अंदर जाने के कह रहे हैं, लॉकअप में भी नहीं बैठाया गया उसको। लॉकअप में ही बैठा हुआ है वो, कानूनी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके कि एनएसए उस पर लगेगी, बाकी कुछ नहीं। बस कांग्रेस कह रही है कि बुलडोजर कब चलेगा पूछ रही है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अतिक्रमण होगा तो चलेगा। जब वीडियो जारी हुआ तो हमारे यहाँ घर में पुलिस आई, इतनी फोर्स आई जैसे कि हम मतलब कितना बड़ा अपराध किया है। हम लोगों के साथ बड़ी जाति हुई, महिलाओं को घर से पकड़ के निकाल दिया गया, हम भाइयों को लेकर थाने चले गए, घर से महिलाओं को निकाल के पूरे अंदर तलाशी लिए। हमारी मैडम का अभी भी हमारे मैडम का वो शिक्षिका हैं, उनका पूरा उस पर विभाग का व्हाट्सएप पर वो चलता है, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम। आज भी पुलिस के हैंडओवर में हमारा मोबाइल, हमारे मैडम का मोबाइल नहीं दिए और महिलाओं के साथ जाति के 2.5-3 साल की बच्ची थी उसको भी नहीं छोड़े और थाने पे ले गए। हमारी वो छोटी सी बच्ची दूध की बाहर मर रही थी, उसको ना दूध की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। पूरे परिवार हम लोग 4 बजे हम लोग लौट के आए। इतनी बड़ी जाति, क्या इतना बड़ा अपराध किया? और वो आप लोगों के सामने वो जरूर आएगा मैटर, वो जो प्रताड़िता है, जिसको बाथरूम का वो मैटर दिखा रहे हैं, वो डिनाइड कर रहा है कि हमारा वीडियो नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा नहीं किया गया है, ये झूठा है। ये दीनदयाल और आदर्श शुक्ला हमारे घर गए थे, बोले कि तुमको पैसा मिलेगा, हम लोग पैसा देंगे, तुम प्रवेश शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ कि हमारे ऊपर बाथरूम की, हमारा ही वीडियो है। लेकिन वो नहीं कह रहा है।